हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर विशाल गुप्ता एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर टी वाई बीकॉम सेमेस्टर 5, दैट इज अमालगमेशन। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अमालगमेशन, सम एंड एवरीथिंग विल सी दैट लेटर। नाउ लिसन, amalgamation is not a very new word, so you must understand it is normally used in business. Like you have listened many times, ek company amalgamate ho gayi, wo company amalgamate ho gayi. Latest example of amalgamation is there, Vodafone Idea. You know that kya hua, do companies aayi aapas mein mili aur unhone kya kiya, ek nayi company bana di। इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, अमालगमेशन बोलते हैं। अगर एकदम सिंपल भाषा में बात किया जाए, अमालगमेशन जब दो या दो से ज्यादा कंपनी आकर मिलकर एक तीसरी कंपनी फॉर्म करती है, दैट सिस्टम इज नोन एज अमालगमेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड अमालगमेशन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अमालगमेशन, आखिर कंपनीज अमालगमेट होती क्यों है। ऐसी तो है नहीं कि टाइम पास कर रहे, चलो कुछ काम धंधे, टाइम पास नहीं हो रहा है, चलो अमालगमेशन खेलते। इट्स नॉट लाइक दिस ना। There are various causes behind it. First of all, to reduce the competition. Competition कम करने के लिए companies क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ amalgamate हो जाती हैं। Like अभी दो companies मान लीजिए, दो same companies हैं, या companies छोड़ दीजिए, मैं एक simple example बोलता हूँ। मान लीजिए दो आजू बाजू में shop है, दुकान है fast foods के, समोसा वड़ा पाव whatever इधर दोनों बेचते हैं। अभी क्या प्रॉब्लम क्या है, अगर वो दोनों आपस में कंपटीशन जनरेट करेंगे तो उसका फायदा किसको मिलेगा, कस्टमर को मिलेगा। इनको नुकसान ही होना है, फायदा किसको होगा, कस्टमर। इट्स लाइक दैट स्टोरी मंकीज एंड कैट्स, यू हैव लिसन दैट, जब दो बिल्लियां आपस में झगड़ा करते हैं फायदा किसका होता है, बंदर का ही होता है। तो हियर बिल्लियां कौन है, आपकी कंपनीज, और कस्टमर क्या हो गया, यू नो। तो अगर यह दोनों आपस में झगड़ा करेंगे तो फायदा कौन उठाने वाला है, कस्टमर उठाने वाला। और ये जब दोनों बिल्लियों को दिमाग आ जाएगा तो दोनों आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस करेंगे, तो इनको फायदा होगा, इनका कंपटीशन जो है कम हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा, और उससे क्या होगा, ये अपना रेवेन्यू एक्स्ट्रा जनरेट कर पाएंगे। दूसरा रीजन, एक तो एक रीजन होगा कॉम्पिटिशन कम करने के लिए, उसके अलावा दूसरा रीजन टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। दोनों कंपनीज अपना रेंट पेड करती है, दोनों कंपनी अपने एम्प्लॉयज को पेड करती है, दोनों कंपनी से बहुत सारे ऐसे कॉस्ट होते हैं जो आपस में एक बार मर्ज हो जाएं तो उनका कॉस्ट कटिंग अपने आप हो जाएगा, उनका कॉस्ट कम हो जाएगा, और कॉस्ट कम हो जाएगा तो उनका प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। उसके अलावा थर्ड रीजन, लीगल फॉर्मेलिटीज। बहुत सारे टाइम पे कुछ कंट्रीज के, कुछ देशों के ऐसे रूल होते हैं कि अगर वहां पे कोई कंपनी जाती है तो उनको उस कंट्री के किसी कंपनी के साथ मिक्स होना पड़ेगा, किसी कंपनी के साथ मर्ज होना पड़ेगा, तो ही बिजनेस कर पाएंगे वहां पर। तो टू फुलफिल दोस लीगल फॉर्मेलिटीज द कंपनी हैव टू मर्ज अगेन। उनके कंडीशंस को पूरा करने के लिए कंपनी को क्या होना पड़ता है, वहां मर्ज होना पड़ता है, क्योंकि उनका रूल ही है कि अगर मर्ज नहीं होगे तो वहां पे बिजनेस नहीं कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज आल्सो फ्यू रीजन, लाइक टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सर्वाइवल। सम टाइम इट हैपन दैट देयर सर्वाइवल इज इन डेंजर। व्हाई? There may be small companies and large companies, and many time it happens, जो छोटी कंपनीज होती है उनको बड़ी कंपनी से खतरा जनरेट होने लगता है, खतरा महसूस होने लगता है, उनको लगता है बड़ी कंपनी हमें तो खा जाने वाली है। तो ऐसे केस में क्या करती हैं, जो छोटी कंपनी जो आपस में आकर मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं और बड़ी कंपनी से मिलकर लड़ती हैं। लाइक अभी जैसे इट्स लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी, कोई बड़ी पार्टी है उससे लड़ने के लिए दो चार छोटी छोटी पार्टियां आपस में क्या होती है, जुड़ जाती हैं। उनको पता है अगर नहीं जुड़ेंगे तो ये हमें खा जाने वाला, हमें मार डालने वाला है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल वापस से सेम लेटे देता हूँ, वोडाफोन आइडिया। यू नो दैट वोडाफोन और आइडिया, और सेकंड साइड में एयरटेल और जियो, ये दो बड़े शेयर थे मार्केट के अंदर। इनको पता है कि भाई अगर हम लोग अगर ऐसे ही रहे तो ये दोनों हमें तो खत्म कर डालने वाले, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में मर्ज हो गए। अब आपको एक बात पता है कि वोडाफोन आइडिया किसी भी हालत में रहे लेकिन वो जल्दी बंद नहीं हो सकते। रीजन, क्योंकि इनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है दोनों की, उनके कस्टमर, उनके क्लाइंट, उनके सब्सक्राइबर को संभाल सकें। तो कहने का मुद्दा यह है कि अगर ये दोनों अगर अब तक अलग अलग होते तो शायद इनका सर्वाइवल खत्म भी हो जाता था अब तक कब का, बट ये दोनों आपस में मिक्स हो गए इसलिए अब इनसे थोड़ा बहुत फाइट तो कर ही सकते हैं। तो सेम थिंग इज ऑल्सो ओवर हियर,
amalgamation means when two or more companies comes together, mix together, and they do their business, that system is known as amalgamation. अब amalgamation के अंदर भी आपकी अलग अलग varieties आती हैं, अलग अलग system आते हैं, अलग अलग situations हैं, जिसमें आपको यहाँ पर TY BCom semester 5 के अंदर पढ़ना है तीन varieties के बारे में. सबसे पहला merger, another is there absorption, another is there external reconstruction. अब ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात, अगर इसके अंदर तीन चीजें हैं तो तीन अलग कुछ तो डिफरेंस होगा. यस, डेफिनेटली डिफरेंस है. जब आप बात करेंगे मर्जर की, तो मर्जर इज लाइक लॉ मैरिज. यहां दो कंपनीज हैं, कंपनी ए लिमिटेड एंड कंपनी बी लिमिटेड. दोनों कंपनीज क्या हुई, खुद के मर्जी से आई और दोनों कंपनी ने एक नई कंपनी बनाई ए बी लिमिटेड. दिस सिस्टम इज नोन एज मर्जर. एक कंपनी ए लिमिटेड, एक कंपनी बी लिमिटेड, दोनों खुद की मर्जी, कोई जबरदस्ती नहीं. ए और बी आपस में आए, बातचीत के, रिश्ता पक्का, बोला भाई कल से एक नई कंपनी बनाते हैं ए बी लिमिटेड. सो दैट आई सेड दैट इट्स लाइक लव मैरिज. कैसा है, हमने घर छोड़ा, अब तुमने घर छोड़ा, दूर कहीं जाके एक नई दुनिया बसा लिया. मतलब यह ओल्ड कंपनी, यह भी ओल्ड कंपनी, दोनों ओल्ड कंपनी बंद होकर कौन सी कंपनी बनाए, एक नई कंपनी बनाए. अगेन लिसन, दो ओल्ड कंपनीज बंद हुए और इन्होंने क्या किया, एक नई कंपनी बनाया. इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मर्जर बोलते हैं. अब आ जाते दूसरी तरफ एब्जॉर्प्स. यहां पे भी दो कंपनीज होती हैं लेकिन इनके मिलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है. इट्स लाइक अरेंज मैरिज. कैसा है, सामने वाली पार्टी का मन पूछा है, नहीं पूछा, उसके राजी है नहीं राजी है, चलो भाई हो गया रिश्ता. होता है ना, पहले आपने मूवीज में सुना होगा, देखा होगा, वो लड़की बोलती, हीरोइन बोलती है, मम्मी मैं कैसे उससे शादी कर लूं, मैं उसको जानती नहीं. लेकिन मम्मी क्या बोलती है, नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी ने तय कर दिया तो यू हैव टू डू इट. सेम थिंग इज ओवर हियर. यहां पे कैसा है, दोनों पार्टीज की कोई राय मशवरा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है. यहां पे कैसा है, ये कोई बड़ी कंपनी मान लीजिए यक्स है, यक्स लिमिटेड है, मार्केट की बड़ी मछली, इट्स लाइक फिश. यह क्या है, मार्केट के अंदर की बड़ी फिश है, ठीक है. अब ध्यान देना, अब बड़ी फिश ने क्या किया, मार्केट के अंदर की छोटी फिश, एक छोटी फिश है कोई, डोंट वरी माय आर्ट इज नॉट सो गुड, तो जस्ट इमेजिन दैट यह कोई बड़ी फिश है और ये कोई छोटी फिश है, वाई लिमिटेड. अब ध्यान देना, यह बड़ी फिश ने यह छोटी फिश को क्या कर लिया, खा लिया. यक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, बचा क्या है आफ्टर दिस, बचा क्या, खाली एक ही बचा है, वो कौन बचा है, यक्स लिमिटेड. आप बोलेंगे सर वाई लिमिटेड कहा है, वाई लिमिटेड इसके पेट में गया भाई, वाई लिमिटेड अब खत्म. मतलब सिंपल सी बात है, एक ओल्ड कंपनी, दूसरी ओल्ड कंपनी, कोई नई कंपनी नहीं आई, बल्कि उनमें से एक ओल्ड कंपनी बची रह गई और एक ओल्ड कंपनी क्या हो गई, समाप्त हो गई, खत्म हो गई. इसी सिस्टम को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खा जाती है. जो पावरफुल कंपनी, जो पावरलेस कंपनी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ले लेती है और जूनी वाली कंपनी को खत्म कर डालती है. इसको सीधे सीधे वर्ड में बोला जाता है, इसको टेक ओवर भी बोल सकते हो आप, बोलते हैं ना उस कंपनी, उसको टेक ओवर कर लिया. जूनी कंपनी क्या कर देती है, खत्म कर देती है, उसका नामो निशान खत्म. अब बचा कौन, एक ही कंपनी बची, वो कौन है, ओल्ड जो पहले वाली एक जो पावरफुल कंपनी वो है. अब बोलेंगे सर क्या मारपीट की करते, नहीं, इट्स लाइक इकोनॉमिक वार. कैसा, उस कंपनी का शेयर्स बहुत सारा खरीद लिया या उस कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा डेप्ट डाल दिया कि वो कंपनी अब उसका डेप्ट नहीं पे कर पा रही, तो बोला भाई चल अपनी कंपनी मुझे ला के दे दे. ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिसके बारे में लोग बाद में डिस्कशन करेंगे. तो हो गया एब्जॉर्प्शन. अब देखिए वापस एक बार मैं रिपीट कर दूं, मर्जर, दो जूनी कंपनी मिलकर तीसरी नई कंपनी बने. एब्जॉर्प्शन, एक जूनी कंपनी दूसरी जूनी कंपनी, एक जूनी कंपनी ने दूसरी जूनी कंपनी को खा लिया. कोई न्यू रजिस्ट्रेशन, कोई नई कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है. नेक्स्ट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का ध्यान देना, यह सबसे बढ़िया टॉपिक है, समझ लीजिए. एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक ओल्ड कंपनी है, मान लीजिए ओल्ड कंपनी है यम, यम लिमिटेड है. अब ध्यान दीजिए, यहां पे कोई भी कंपनी और नहीं आने वाली है ओल्ड, बल्कि क्या होगा, एक नई कंपनी फॉर्म की जाएगी, बाकायदा एक नई कंपनी फॉर्म की जाएगी यम लिमिटेड, और वो क्या करेगी, यम लिमिटेड को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगी.
अंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, या ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी ने क्या किया उसको एब्जॉर्ब कर लिया, बचा कौन, खाली एक ही न्यू कंपनी बची, वो कौन बचा, यन लिमिटेड बची है। अब आप बोलेंगे सर फिर तो कंफ्यूजन यहाँ पे है कि एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नलाइजेशन में कोई फर्क ही नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है, ध्यान देना। एब्जॉर्प्शन में दो जूनी कंपनीज थी, बड़ी वाली कंपनी ने छोटी वाली एक कंपनी को खा लिया, बचा कौन, एक जूनी कंपनी बची रह गई वो बड़ी वाली। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक जूनी कंपनी है, उसने दूसरी किसी कंपनी को स्टार्ट किया, रजिस्ट्रेशन किया, और जो जूनी वाली उनकी एक कंपनी तो उसको क्या कर दिया, नई वाली कंपनी ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब बोलेंगे क्या टाइम पास है, क्या टाइम पास नहीं है, मार्केट में ऐसा होता भी है, खास करके जब किसी कंपनी का रेपुटेशन काफी खराब हो जाए। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं, मान लीजिए कोई एक इंस्टीट्यूट है, कोई समझो MBA इंस्टीट्यूट है या कोई भी एक इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं PQR लिमिटेड है, या PQR प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है। अब इसने मार्केट के अंदर मस्त मजबूत एडवर्टाइजमेंट किया, सब किया, बहुत सारे बिजनेस भी उठाए मार्केट के अंदर से, बहुत सारा लाखों करोड़ों लाखों बच्चे इनके स्टूडेंट्स हैं, और उनका रिजल्ट इतना खराब आया कि अगले साल से कोई बच्चा ये नाम सुन के भी डरने लगे। अब उन्होंने इतना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप कर लिया, इतने बेंचेस वगैरह सब कुछ इनके पास अवेलेबल है, अभी क्या करेंगे, अगले साल से इनका बिजनेस बंद हो जाएगा, ये क्या करेंगे पता है, अगले साल दे कैन डू अदर थिंग्स, मान लीजिए दे कैन स्टार्ट समथिंग, मान लीजिए MN प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, इन्होंने क्या किया एक नया नाम चालू कर दिया, और ये जूना वाला इंस्टीट्यूट क्या होगा इसके अंदर ही आ गया। अब बोलिए सर सबको पता नहीं चलेगा क्या, चलेगा 10% लोगों को पता चलेगा, 90% लोगों को कुछ पता नहीं है, 90% लोग नाम पे आ जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट क्या मजबूत एडवर्टाइजमेंट क्या लोग आ जाएंगे, सिंपल फंडा है। याद रखिए मार्केट में नाम सब चलता है, नाम गया तो मैटर खत्म, रेपुटेशन इज मस्ट, जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल फंडा है। अभी मैं आपको एकदम लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं मैगी, आपको पता होगा मैगी का भी कितना ज्यादा रेपुटेशन खराब हुआ था बीच में। अब देखिए क्या हो सकता है, एक ऑप्शन कि मैगी किसी और नाम से अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हाँ 10% लोग समझदार उनको पता है भाई ये तो मैगी ही है, लेकिन 90% लोगों को पता है, लोग क्या बोले अरे मैगी जैसा ही मस्त टेस्ट आता है भाई खरीदे, बहुत बढ़िया आइटम है मैगी ही, लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा, और अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो बाद में सक्सेस भी हो जाएगी मार्केट के अंदर। सेम चीज, चलो ठीक है एक साल रिजल्ट खराब आया, इसने दूसरे कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड किया, जूनी वाली कंपनी को यहाँ पे पूरा ग्रैब कर लिया, और क्या हुआ अगर अच्छा मेहनत करेगा तो आगे वापस से MNP के नाम से आगे चलेगा, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं है। मैं आपको और एक बेस्ट एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे यहाँ एक बस थी, काफी टाइम पहले की बात है, मैं विलेज की बात कर रहा हूँ यहाँ के लिए, उस बस का उस ट्रांसपोर्ट के उस बस का एक खासियत थी, और वहाँ पे बस को बाकायदा नाम दिया जाता था, जैसे यहाँ पे ना अंकिता वगैरह ऐसे नाम है, उसी तरीके से उसका रेपुटेशन इतना मार्केट में जबरदस्त था ना, हर रोज उसका एक्सीडेंट होता, हर रोज पैसेंजर पैदल जाना पसंद करते, लेकिन उस ट्रैवल एजेंसी के बस पे बैठना पसंद नहीं करते थे। बाद में क्या हुआ, उसने एक महीने के लिए अपनी बसेस बंद कर दी, और बाद में वो अपने बसेस को पेंटिंग वेंटिंग करवा के अपने ट्रैवल एजेंसी का नाम उसने चेंज कर दिया, कुछ तो अलग नाम रख दिया, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, उसने कुछ अलग नाम रख दिया और वापस से बसें चालू करें। लोग क्या लगा भाई तो नई कंपनी कोई नई ट्रेवलिंग एजेंसी की बसें, चलो भाई बैठते हैं, लेकिन वो बात अलग थी कि उस बस ने वापस से अपना जलवा कायम रखा एक्सीडेंट वगैरह के मैटर में, और बाद में फाइनली एजेंसी बंदी हुई। हाँ लेकिन अगर वो बाद में देखो, अभी किसी को पता नहीं था कि नई है कि जूनी है, क्या क्या नई एजेंसी चालू किया उसके अंदर, देखो एसेट तो वही है, सब कुछ वही है, बस वही है, खाली पेंटिंग सेंटिंग करवा दिया, लोगों के माइंड में क्या गया, तो कोई नई एजेंसी आ गई, हाँ अगर अच्छा परफॉर्म करती तो कंटिन्यू चलती थी। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल रिकर्सन, इसमें कोई नई कंपनी नहीं आई है, एक्चुअली नई कंपनी रजिस्टर्ड खाली हुई है, नई कंपनी कोई बाहर से कोई नई कंपनी नहीं आई, एक नई कंपनी खाली रजिस्टर्ड हुई है और उसने जूनी कंपनी को खा लिया है, जूनी कंपनी को नई कंपनी ने खा दिया। इट्स लाइक दैट ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, आपने सुना ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, दारू जूना ही है लेकिन बॉटल क्या है नया है। जैसे होता है ना आप किसी ने किसी आपको गिफ्ट दिया वॉच वगैरह, आप किसी और को क्या कहते हैं नया रैपर डाल के गिफ्ट दे देते हो, द थिंग्स आर समथिंग लाइक दिस। सी दिस अमालगमेशन, वापस मैं एक बार छोटा सा रिवीजन दे रहा हूँ, ध्यान देना। अमालगमेशन क्या, दो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में मिलते हैं अमालगमेशन कहलाता है। मर्जर, इसके अंदर मर्जर में क्या होता है, दो कंपनीज एग्जिस्टिंग दो कंपनीज ओल्ड कंपनीज आपस में मिलकर एक नई कंपनी बनाते हैं, दोनों जूनी कंपनीज बन गया तो उसको मर्जर बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन में दो जूनी कंपनीज एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी क्या करती है खा जाती है, दैट इन्होंने एब्जॉर्प्शन दोनों जूनी में से खा ली, एक बड़ी कंपनी बचती है, दूसरी कंपनी का नामो निशान खत्म हो जाता है।
एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आपकी जो जूनी कंपनी होती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए नई कंपनी क्रिएट की जाती है, और नई कंपनी जो होती है जूनी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जूनी कंपनी बंद हो जाती है और एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो चलिए इससे रिलेटेड मैंने कुछ स्टडी मटेरियल आपको रेडी की, हम लोग थोड़ा बहुत उसके बारे में देखते हैं एंड बाकी के जो सम्स वगैरह हैं विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसके स्टेप्स क्या हैं, उसका मेथड्स क्या है, उसका हम लोग स्टडी मटेरियल के थ्रू स्टडी करेंगे। हियर यू कैन सी द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अमालगमेशन। जैसे आप देख सकते हैं आपको डिजाइन से ही बात समझ में आ जाएगी। दो कंपनीज आपस में मिले, क्या हुआ, अमालगमेशन हो गया, वोडाफोन आइडिया, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे ए कंपनी और बी कंपनी आपस में मिलकर क्या किया, ए बी कंपनी बना दिया, दिस इज लाइक अ मर्जर। आफ्टरवर्ड व्हेन यू टॉक अबाउट मीनिंग, सिंपल मीनिंग ऑफ अमालगमेशन लाइक दिस ट्रैक, द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कंपनीज इंटू न्यू एंटिटी दैट इज नोन एज अमालगमेशन। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका मारुति मोटर्स ने क्या क्या सुजुकी के साथ टाई अप किया, क्या हो गया आपका मारुति सुजुकी हो गया। टाटा ने AIA के साथ टाई अप किया, क्या हो गया टाटा AIZ हो गया। तो इस तरीके से ये सब कुछ आपके एग्जांपल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। सम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।